आप देख रहे हैं इंडियन ब्यूटी चैनल। सो गाइस, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने फेस का फैट घटा सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि हमारे बॉडी तो स्लिम होता है लेकिन जो चेहरे पे फैट जमा रहता है उससे हम बहुत फैटी दिखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने इस एरिए का फैट घटा सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली और फास्ट। तो देखते हैं, पहले आपको कोकोनट ऑयल लेना है, कोको ऑयल, नारियल का तेल, और इसे बस कुछ बूंद अपने हाथों में लेना है, ज्यादा नहीं, 3 से 4 बूंद बस, क्योंकि फेस हमारा छोटा होता है और बॉडी पार्ट से तो वो कम लेना है। और इस तरह से जेंटली मसाज करना है, हल्के हाथों से आपको अपने फेस को मसाज करना है। इस एरिया में हमें थोड़ा सा प्रेशर करके मसाज करना चाहिए, तो आपको ऐसे ही मसाज करना है। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपका जो फैट है वो बहुत फास्ट घटेगा, और आपको अपने फेस फैट को जल्दी घटाना है तो आप अपने ठंडे पानी को गर्म पानी से रिप्लेस कर दें। आप डेली गर्म पानी पिए तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा और बहुत ही जल्दी आपका फैट घटे। इस तरह से आपको 5 से 6 मिनट मसाज करना होगा। आप डेली करेंगे तो आपका जो फेस का जो फैट है वो जल्दी घटेगा। आपको अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको डेली करना पड़ेगा। सो आप इसको करें, कम से कम 5 से 6 मिनट डेली करें तो आपका फैट बहुत फास्ट घटेगा और एक तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और बहुत ही अच्छा होगा, और हमें फेस मसाज भी बहुत कई सारे हमें फ़ायदे मिलेंगे इस तरह से। तो आप इसको करें और अपने फैट को जल्द से जल्द बर्न करें। तो इसको उसके बाद आपको टिश्यू लेना है और अपने फेस को अच्छे से साफ करना है। दूसरा स्टेप है, आपको एलोवेरा जेल से अपने फेस को मसाज करना है। मैंने यहाँ पे पतंजलि का लिया है, आप चाहे तो फ्रेश एलोवेरा ले सकते हैं, ज्यादा नहीं, बस इतना क्वांटिटी बहुत है। ऑयल मसाज के बाद आपको एलोवेरा का मसाज देना काफी इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको फ्रेशनेस होगा, फ्रेशनेस महसूस होगा और फैट भी बर्न होगा आपके मसाज से, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और एलोवेरा आपके फेस को हाइड्रेट करेगा और एलोवेरा आपके फेस से रिंकल्स हटाने में काफी कारगर है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत होता है एलोवेरा में, तो आप कोशिश करें कि आपको फ्रेश एलोवेरा मिले। हमारा काफी ज्यादा फैट होता है इस एरिया में, तो ये फैट को घटाने में बहुत हेल्पफुल है, और इसको मैं एलोवेरा अप्लाई करने के बाद ये एब्जॉर्ब कर लिया है एलोवेरा, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी और कुछ देर के बाद मैं इस फेस वॉश करूंगी। थोड़ी देर के बाद मैं इसको फेस वॉश करूंगी और मैं अपना एक अच्छा फेवरेट मॉइस्चराइजर लगा लूंगी। आपको इस तरह से अपने फेस को मसाज देना है कोकोनट ऑयल और एलोवेरा से। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, अपने फेस पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ ना करें, ये कालापन सावलापन जो है वो काफ़ी बढ़ाता है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल कालापन काफ़ी बढ़ाता है, तो आप उसे यूज़ ना करें। अगर आप अपने सावलेपन से छुटकारा चाहते हैं तो आप अपने चेहरे पे ऑलिव ऑयल अप्लाई करें, और ऑलिव ऑयल के अप्लाई से आपका सावलापन काफ़ी हद तक कम होता है और ये हमारे स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है मस्टर्ड ऑयल की तरह, और ये बहुत अच्छा है हमारे स्किन के लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है ऑलिव ऑयल। और आप इस तरह से डेली करें और अपने फैट को घटाएं।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। सो गाइस, बाय।